दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आज की पहली खबर में देखिए, बिहार में कांस्टेबल भर्ती के लिए 14 नवंबर से करें आवेदन। जी हां देखिए, सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बिहार के युवाओं के लिए केंद्रीय चयन पर्षद ने मद निषेध उत्पाद व निबंधन विभाग में सिपाही के पद पर भर्ती के लिए बहाली निकाली है। मद निषेध सिपाही के रिक्त 689 पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी 14 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन की आखिरी तिथि 14 दिसंबर होगी। फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को पूरे एक महीने का वक्त दिया गया है। आपको बता दें कि बहाली के लिए विभाग से 11 नवंबर को अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके बाद पार्षद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वहीं अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि मद निषेध विभाग में सिपाही पद के लिए अभ्यर्थियों को इंटर पास होना जरूरी है। सिपाही के इन पद पर तीन चरण में बहाली होगी। पहला चरण लिखित परीक्षा तो दूसरा चरण फिजिकल टेस्ट होगा। इसके बाद तीसरे चरण में मेरिट लिस्ट जारी कर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इन पदों पर आवेदन के लिए सामान्य वर्ग की महिलाओं एवं पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तो वहीं अधिकतम उम्र 25 वर्ष है। वहीं एससी एसटी अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए उम्र सीमा में 5 साल की छूट मिली है। बड़ी खबर में देखिए, कुढ़नी सीट को लेकर खत्म हुआ सस्पेंस, जेडीयू के मनोज कुशवाहा होंगे उम्मीदवार। जी देखिए, कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से जेडीयू उम्मीदवार के रूप में मनोज कुशवाहा लड़ेंगे। इसकी घोषणा महागठबंधन के सभी 7 दलों के नेताओं ने शनिवार को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। आपको बता दें कि राजद विधायक अनिल सोनी के एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद यह सीट खाली हुई है, जिस पर उपचुनाव हो रहा है। 5 दिसंबर को वहाँ मतदान होना है। वर्ष 2020 में राजद ने भाजपा को कुढ़नी में करीब 700 वोटों से शिकस्त दी थी। बड़ी खबर में देखे, नीतीश के शराबबंदी के पक्ष में उतरी कांग्रेस पार्टी के विधायक ने बैन हटाने की मांग की थी। जी देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने बिहार में लागू शराबबंदी का समर्थन किया है। शनिवार को पटना में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में लागू शराबबंदी की सफलता के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। वही समय समय पर सरकार संशोधन किया करती है। वही कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी की ओर से शराबबंदी विफल बताए जाने पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हम लोग चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी रहे। शराबबंदी होने से समाज के लोगों को फायदा होता है और चारों ओर शांति दिख रही है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी बिहार के लिए जरूरी है। हम लोगों ने शराबबंदी को लेकर शपथ लिया है। शराबबंदी के कानून में अगर कुछ संशोधन होता है तो तरह तरह की बातें कही जाती है जो गलत है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 50 दिनों की होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी नहीं होंगे शामिल। जी देखिए, बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 50 दिन की होगी, हालांकि इस यात्रा में राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के नेतृत्व में निकलने वाली इस यात्रा का समापन बोधगया में होगा। शनिवार को बिहार दौरे पर आए प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 13 नवंबर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश बिहार आ रहे हैं। दोनों नेता बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा पर मंथन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में भारत जोड़ो यात्रा 50 दिनों तक चलेगी और यह 30 जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा की शुरुआत भागलपुर के मंदार से होगी और बोधगया में समाप्त होगी। बड़ी खबर में देखिए, सांस लेने के लायक नहीं बिहार के 13 शहरों की हवा, 4 जिलों में AQI 400 के पार। जहाँ देखिए, बिहार में प्रदूषण की स्थिति बहुत खतरनाक हो गई है। कल शनिवार 12 नवंबर को बेतिया, मोतिहारी, बक्सर और सिवान जिलों की हवा में सांस लेना गंभीर बीमारियों को दावत देने के समान है। इन जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 400 के पार पहुंच गई है। इन जिलों में सांस लेने वाले स्वस्थ आदमी पर बुरा असर पड़ेगा, जो पहले से बीमार है उन्हें ज्यादा खतरा है। वहीं देखिए, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक शनिवार की सुबह में सिवान की स्थिति सबसे नाजुक है। यहाँ AQI 432 पाया गया। वहीं मानक के अनुसार यह खतरनाक रेंज में है, जिसके प्रभाव से स्वस्थ आदमी भी बीमार हो जाएगा। वहीं देखिए, इसके साथ साथ मोतिहारी में AQI 429, बेतिया में 415 और बक्सर में 407 है। वहीं राज्य के 13 स्थानों पर AQI की रीडिंग 300 से 400 के बीच पाई गई है, तो 11 इलाकों में यह रीडिंग 200 से 300 के बीच है।
बड़ी खबर में देखिए, पटना में नेहरू पार्क का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन, पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा जैक्सन गोलंबर से हुई शिफ्ट। देखिए बड़ी खबर, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के ठीक पहले उनकी प्रतिमा को नई पार्क में शिफ्ट किया गया है। पटना जैक्सन स्थित गोलंबर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा लगी हुई थी, लेकिन इसे अब पुनाचेक इलाके में नए स्थित पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है। इस पर पिछले कुछ महीनों से ही काम चल रहा था और आखिरकार शिफ्टिंग के बाद सीएम नीतीश कुमार ने इस पार्क का उद्घाटन किया है। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए पार्क के उद्घाटन और प्रतिमा को पुनर्स्थापित किए जाने के बाद कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर बेली रोड का नामांकन किया गया है और अब उन्होंने सभी को निर्देश दिया है कि इसे नेहरू पार्क पर बुलाया जाए। इसके लिए जगह जगह पर साइन बोर्ड लगाने का भी निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पटना जंक्शन पर फ्लाई ओवर बनने के बाद प्रतिमा उसके नीचे आ गई थी और देखने में अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए उसे नए पार्क में शिफ्ट किया गया है। बड़ी खबर में देखिए, गांधी मैदान में 2 दिसंबर से लगेगा पुस्तक मेला, 13 दिसंबर तक चलेगा मेला, वहीं किताबों पर मिलेगी छूट। जी देखिए, पटना के गांधी मैदान में लगभग 2 साल के बाद एक बार फिर से पुस्तक मेले का आयोजन होने जा रहा है। इसी को लेकर सीआईडी पटना पुस्तक मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष के द्वारा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि यह 26वीं सीआईडी पुस्तक मेला है जिसका आयोजन पटना के गांधी मैदान में 2 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच किया जाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पुस्तक मेला में पुस्तक प्रेमियों को विशेष पुस्तकों में खासतौर पर छूट दी जाएगी। बता दें कि कोरोना काल के चलते यह पुस्तक मेला का आयोजन 2 साल के बाद किया जा रहा है। बड़ी खबर में देखिए, इग्नू ने फिर आगे बढ़ाई जुलाई सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट। यहाँ देखिए, इग्नू ने जुलाई सेशन के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर जुलाई 2022 सेशन के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाले कैंडिडेट के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर 15 नवंबर 2022 कर दी है। वहीं आपको बता दें कि इसके तहत इस सत्र के लिए जो भी छात्र छात्रा यूजी और पीजी प्रोग्राम में आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट ignoo.samarth.education.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए, यूपीएससी ने लेक्चरर समेत अन्य पदों पर निकाली वैकेंसी। जहां देखिए, संघ लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर एग्रीकल्चर इंजीनियर और असिस्टेंट केमिस्ट समेत अन्य पदों पर भर्ती निकाली है। इसके अनुसार आयोग कुल 160 पोस्ट पर नियुक्ति करने जा रहा है। अब ऐसे में जो भी कैंडिडेट इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं और योग्य है वे यूपीएससी की आधिकारिक साइट upsc.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को एक बात का ध्यान रखना होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लें और फिर आवेदन करें। वहीं इन पदों पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2022 तक है। इसके बाद कोई एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बड़ी खबर देखिए, सूबे में वज्रपात से लोगों को सतर्क करेगा होटर। जी देखिए, बड़ी खबर है, राज्य में ठनका से हो रही मौतों को कम करने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। गांवों में अब होटर लगाए जाएंगे, इसकी आवाज 5 किलोमीटर तक पहुंचेगी। वहीं देखिए, होटर की आवाज सुन लोग सुरक्षित जगह चले जाएंगे, इस तरह वज्रपात से होने वाली मौतों में कमी आ सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वज्रपात को लेकर बिहार में अभी इंद्रवज ऐप से ठनका गिरने की सूचना 30 मिनट पहले संदेश भेजकर दी जा रही है। वहीं 1.25 लाख से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड भी किया, लेकिन इसमें परेशानी यह रही कि खेतों में काम करने वाले किसानों के पास मोबाइल उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें यह संदेश नहीं मिल पा रहा है। इसी को देखते हुए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तय किया कि गांवों में होटल लगाए जाए। प्रयोग के तौर पर पटना गया और औरंगाबाद में होटल लगाने का काम शुरू किया गया है। बड़ी खबर में देखिए, पटना में अतिक्रमण हटाओ अभियान सोमवार से होगा शुरू। जी देखिए, राजधानी पटना में एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान सोमवार से शुरू किया जाएगा। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए अतिक्रमण कार्यों पर कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि की अध्यक्षता में हुई बैठक में अतिक्रमण हटाओ अभियान की रूपरेखा तय की गई है। आयुक्त ने डीएम एसएसपी तथा नियुक्त पटना नगर निगम को 14 नवंबर से अतिक्रमण हटाने के स्पेशल ड्राइव चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभियान चलाने से पहले क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी माइकिंग कराएंगे। अतिक्रमण हटाने की संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें कि नेहरू पथ यानी बेली रोड, फ्रेजर रोड, एग्जीबिशन रोड, अशोक राज पथ से सिटी चौक, अनिसाबाद, गोलंबर से फ्लोर शरीफ, एम्स, दानापुर, बाकीपुर रोड, नाला रोड, कंकड़बाग, मेन रोड, बारी पथ, पांचवा टोली, जेपी गंगा पद, अटल पद, मुख्य सड़क से सटे संपर्क पद, आरओबी के नीचे एवं अन्य मार्ग, वाहन पार्किंग, फ्लाई ओवर के नीचे पार्किंग, वेडिंग जोन से अतिक्रमण हटाए जाएंगे।
खबर में देखिए, बिहार में 15 नवंबर के बाद तेजी से गिरेगा तापमान। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है पूर्वानुमान। जहाँ देखिए, बिहार की राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश का मौसम अगले 5 दिनों तक शुष्क बना रहेगा। 2 दिन बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। वहीं 15 नवंबर के बाद तापमान में तेजी से गिरावट आने के साथ प्रदेश में ठंड की वृद्धि संभावना है। राज्य में बारिश की कोई संभावना फिलहाल नहीं है। वहीं देखिए, इसी दौरान सुबह और रात के समय में हल्की धुंध की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही देखिए, दूसरे दिन भी गया प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री की गिरावट के साथ 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी का न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री की गिरावट के साथ 18.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना से आरा बक्सर जाना होगा सुगम, 14 को गडकरी करेंगे आरा बक्सर 4 लेन का उद्घाटन। यह देखिए बड़ी खबर है, बिहार के राजधानी पटना से सड़क मार्ग के माध्यम से बक्सर या आरा जाने वालों के लिए एक बेहद सुगम सफर रहने वाला है। देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 14 नवंबर को आरा बक्सर 4 लेन सड़क का उद्घाटन करेंगे। उसी दिन गडकरी रोहतास जिले में सोन नदी पर पंडुका पुल और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बक्सर लिंक का भी शिलान्यास करेंगे। इन 3 परियोजना की लागत करीब 2300 करोड़ रुपए है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरा बक्सर 4 लेन सड़क की लंबाई करीब 92 किलोमीटर है। करीब 1500 करोड़ रुपए की लागत वाली पटना भोजपुर बक्सर 4 लेन परियोजना के हिस्से के तहत ही आरा बक्सर 4 लेन सड़क का निर्माण हुआ है। खबर में देखिए, सरकार ने आधार के नियमों में किए बदलाव, 10 साल पूरा होने पर दस्तावेज को करना होगा अपडेट। यह देखिए बड़ी खबर है, सरकार ने आधार के नियमों में संशोधन कर आदेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आधार संख्या प्राप्त करने में 10 साल पूरा होने के बाद कम से कम एक बार इसमें अपडेट करना जरूरी होगा। वहीं देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आधार में अपडेट होने से केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में संबंधित जानकारी के निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी। वहीं देखिए, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया कि आधार धारक आधार के नामांकन की तारीख से हर 10 साल पूरे होने पर कम से कम एक बार पहचान और निवास प्रमाण पत्र वाले दस्तावेज का अपडेट करा सकते हैं। घर में देखिए, 8 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकेंगे नए वोटर। यह देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य में बुधवार को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन निर्वाचन विभाग द्वारा सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए किया गया। मतदाता सूची में नए मतदाता अपने नाम 8 दिसंबर तक शामिल कराने या संशोधन कराने की कार्रवाई कर सकेंगे। वहीं देखिए, अब मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अर्हता तिथि 1 जनवरी के अतिरिक्त 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर भी होगी। इन 4 अर्हता तिथियों के आलोक में आवेदन मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की तिथि से की जा सकेगी। साथ ही आपको बता दें कि मतदाता सूची में आवेदन के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध है। ऑनलाइन यह सुविधा वोटर हेल्पलाइन ऐप अथवा वोटर पोर्टल nbc.in में लॉगिन कर प्राप्त की जा सकती है। वहीं ऑफलाइन रूप से आवेदन करने के लिए अपने प्रखंड, अनुमंडल अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। साथ ही इस संबंध में वांछित जानकारी है तो मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 का प्रयोग भी किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।